सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में सबसे बड़ा धमाका। जीरा, सोडा, लीची, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ब्लूबेरी, आम, नींबू मसाला, सेब, पुदीना और नारंगी के साथ चिलचिलाती गर्मी में राहत का एहसास। इतने सारे टेस्ट लेकिन नाम सिर्फ एक। ओके, पूरे देश में फ्रेंचाइजी लेने के लिए संपर्क करें। ओके सर बीवरेजेस कंपनी, प्लॉट नंबर सी 175, यूपी सीडा, उतेलवा, क्षेत्र जगदीशपुर, जिला अमेठी। हमारा फोन नंबर है 9555683755, 9453775050। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में पांचों पेरन के नासिरगंज पशु बाजार में प्रशासनिक टीम ने छापा मारा। इस दौरान अवैध रूप से चल रहे विधायक ताहिर खान की बाजार को बंद कर दिया गया। सुल्तानपुर में कोतवाली देहात के प्रयागराज हाईवे बाजार के पास मौजूद रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में मधुआकला थाना क्षेत्र के दाऊदपुर के पास एक बोलेरो ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अमेठी में थाना मोहनगंज पुलिस ने ग्राम शंकरगंज धोबा बैसन कपूरवा में दबिश दी। इस दौरान टीम ने 300 किलो लहन नष्ट किया। अमेठी में मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के गुनैया गांव में छप्पर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई बकरियां जलकर खत्म हो गईं। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आर्यन ढाबा के पास तेज रफ्तार टाटा 407 लोडर गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अमेठी में थाना अमेठी पुलिस ने साइबर क्राइम से ठगे गए पीड़ित को उसके पैसे लौटवाए। बताया जा रहा है कि पीड़ित के अकाउंट से स्कैमर्स ने 19,243 रुपए गायब कर दिए थे। अमेठी में जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे के मरोचा के पास बेकाबू कार गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। जौनपुर में थाना बक्सा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम रोहित मौर्य बताया जा रहा है। जौनपुर में थाना बक्सा पुलिस ने रत्नेश यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। आरोपी के पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जौनपुर में थाना सरपथा पुलिस के हत्थे 4 चोर चढ़े। बताया जा रहा है कि इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जौनपुर में थाना शाहगंज पुलिस ने नरेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। प्रतापगढ़ में गोली से घायल हुआ एक युवक एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह मामला 2 मार्च को नगर कोतवाली के रूपापुर में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। प्रतापगढ़ में थानांतु के कल्याणपुर डांडी काच में जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर में थाना नीमगांव पुलिस ने अकील अहमद नाम के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। आरोपी पर धारा 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। लखीमपुर खीरी में थाना सिंघाई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। श्रावस्ती में ही कौना थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का गला बहुत बुरी तरह से रेत कर हत्या की गई है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।